नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी जोशी और आप मुझे देख रहे हैं सिले स्पीक्स पर। हाय मैम, वेलकम ऑन सिले स्पीक्स। पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे चैनल पर आए। बहुत टाइम से हमारे व्यूअर्स आपको पूछ रहे थे कि पल्लवी जोशी मैम को हम कब देखेंगे और फाइनली यू आर विद अस। सो ट्रेलर बहुत अच्छा है मैम और बहुत ज़्यादा कैची है, बिकॉज अभी सर से मैं बात कर रही थी कि इतना बज़ है इस ट्रेलर का और बिल्कुल सही मौके पे ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। आप क्या बोलना चाहोगे मैम? ये बहुत ऑनेस्टली हमने फिल्म बनाई है। मैं कई सालों से बहुत ज़्यादा मैं आजकल फिल्में करती नहीं, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टली काम करना चाहती हूँ। पैसे कमाने की अपनी एक ज़रूरत होती है हर इंसान की, वो हमारी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ भी लोगों के सामने पेश करने की बात तो है ही नहीं। इसलिए हमने बुद्धाई ने ट्रैफिक जैम बनाई थी, वो 2011 में फिल्म बनी, 14 में जाके मामी में दिखाई गई, फिर 15 में रिलीज़ हुई। उसके बाद हमने अभी जाके 2018 में दूसरी फिल्म बनाई है। तो हमेशा कोशिश रहती है कि एक ऑनेस्टली जितनी ऑथेंटिक फिल्म हम बना सकें उतना बनाएं लोगों के लिए। और ताशकंद एक बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट्स जितनी भी हैं हमारे हाथ में, जो नहीं थे हमारे हाथ में, उसको भी किसी तरह से ला कर उनको ऑथेंटिकेट करके इस फिल्म में डालने की कोशिश की है। तो ये फिल्म जो है उसको लेके हम बहुत आतुर हैं जानने के लिए कि लोग इसको कैसा रिसीव करते हैं। ट्रेलर अगर कोई इंडिकेशन है तो आई मस्ट से कि पीपल हैव रिसीव्ड इट वेरी वेल एंड आई वांट टू थैंक ऑल द पीपल ऑफ आर कंट्री, नॉट जस्ट फॉर लाइकिंग द ट्रेलर बट फॉर द फैक्ट कि 53 साल जिस इंसिडेंट को हो गए हैं, उस इंसिडेंट को आज भी वो जानना चाहते हैं। ये जो एक भारतीयता जो उनके अंदर है कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ, ये जानने का जज्बा जो उनमें अभी भी है, उसके आगे मैं सलाम करती हूँ सब लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप लोगों ने जो ढूंढ ढूंढ के इतनी रिसर्च कर करके जो लेकर आए हैं मैटर, उसकी वजह से लोग और अट्रैक्टिव होंगे। बट ऑफ कोर्स, और लाल बहादुर शास्त्री हम सबके बहुत फेवरेट हैं, मतलब हम लोग उस एरा के नहीं थे बट फिर भी उनको सब मानते हैं और आज का यूथ भी उनको बहुत पसंद करता है। तो वो फैक्ट इकट्ठा करना, और कभी वो नर्वसनेस लगी कि कुछ गलत हम प्रेजेंट कर दें तो हाउ पीपल विल रिएक्ट और हाउ मतलब पॉलिटिकल कुछ इशू ना हो जाए, ऐसा कुछ डर या कुछ? एक्चुअली ऑनेस्टली दिस वॉज ऑल विरेक। जितनी फैक्ट फाइंडिंग थी, जितने लोगों से जा के मिलना था, वो सब विवेक ने किया। और हम लोग ऑफिस से, मैं काम करती रही, हमने जो RTIs फाइल किए थे उसमें मैंने भी कुछ एक RTIs फाइल किए। जितना रिसर्च था उसको कंपाइल करना ये विवेक की टीम कर रही थी। तो रिसर्च के लेवल पे मैंने बहुत ज़्यादा उसमें काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उस वक्त मेरे 2 सीरियल्स चल रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा ऑफिस में थी भी नहीं। और व्हेन यू डू टेलीविजन, आपको पता है, सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक काम चलता है। तो घर पे हमारी बातें होती थी अक्सर इसके बारे में। लेकिन बाय द टाइम आई फिनिश्ड माई सीरियल्स एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन शास्त्री, तब तक रिसर्च काफ़ी हद तक हो चुका था। तो मेरा एक्चुअली पार्टिसिपेशन फिल्म में प्री प्रोडक्शन से ही हुआ। तो इसलिए जितना भी इस तरह के जो भी सवाल है, आई थिंक द बेस्ट डायरेक्टर टू विवेक, बिकॉज ही कैन ओनली आंसर देम। फिल्म में इतने बड़े बड़े करेक्टर आर्टिस्ट हैं, इतने सारे जो कि नेशनल अवार्ड विनर्स भी हैं, और छः नेशनल अवार्ड, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उन सबको एक ही टाइम पे गैदर करना, उन सबकी ओके लेना, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो कैसे आप लोगों ने पार किया उस चैलेंज? यू नो, हमें भी यही लगा था, क्योंकि हमने जब विश लिस्ट बनाई थी अपनी पूरे एक्टरों के, तो हमने कोई चॉइस नहीं रखी थी। अच्छा। हमें पता था कि श्याम सुंदर त्रिपाठी के लिए हमें मिठुंदा चाहिए, और हम बस मिठुंदा ही थे हमारे सामने, हमारे कोई और चॉइस थी नहीं। इस रोल के लिए भी, नसीर भाई के रोल के लिए भी, नटराजन के, ही वॉज दी ओनली चॉइस। आई मीन, नसीर भाई के आगे कौन चॉइस हो सकती है दूसरी हमारी? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये मामला फेल हो गया अपना, अगर उन्होंने नहीं कह दिया किसी वजह से, क्योंकि फिल्म कुछ लोग इस तरह की फिल्में नहीं करना चाहते, इन कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसना नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे? ऐसे मेरे एक दिमाग में एक प्लान बी हमको सोचना चाहिए। मैं इसके बारे में सोचती ही रही, बनाया नहीं कभी प्लान बी, लेकिन ये इतनी स्मूथ सेलिंग हो गई हमारी सारी की सारी कास्टिंग,
जिनके पास भी हम गए स्क्रिप्ट लेकर, एवरीबडी जस्ट सेड यस एंड इट ऐसे यस कह दिया बस. सो बहुत आई थिंक वी आर वेरी लकी कि इतने बड़े बड़े लोग इतना जल्दी वो राजी हो गए. एंड एवरीबडी केप्ट सेइंग दैट विवेक स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है तुमने और हम वी हैव टू डू दिस. तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी वोट्स भी होने वाले हैं कुछ टाइम में, आपको लगता है क्योंकि अभी मोदी वन भी आ रही है, मतलब एक सीरीज आ रही है, एक फिल्म आ रही है, अभी ताशकंद आ रही है, तो इन सब का इम्पेक्ट वोट्स पे कितना पड़ेगा, आप क्या बोलना चाहोगे उस पर? मुझे नहीं पता कितना इम्पैक्ट होगा क्योंकि ये प्रोपोगंडा फिल्म है नहीं. ये एक सच को दर्शा रही है फिल्म. और जबकि ये फिल्म है, मतलब जिस वक्त की ये फिल्म है, जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी तब बीजेपी कहीं थी नहीं रेडार में. बीजेपी पार्टी तो उसके बहुत बाद फॉर्म हुई है. तो ये किस तरह से प्रोपोगंडा फिल्म है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. वी आर जस्ट टॉकिंग, तब तो एक ही पार्टी थी, बिल्कुल सिर्फ एक ही कांग्रेस पार्टी थी और वो हमारे प्रधानमंत्री थे. तो हमारे प्रधानमंत्री की मृत्यु कैसे हुई ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं. तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है लोग इसको प्रोपोगंडा फिल्म क्यों कह रहे हैं. पॉलिटिकल है फिल्म नेचर में क्योंकि पॉलिटिक्स की ही बात कर रहे हैं हम लोग, बट इट्स नॉट अ प्रोपोगंडा फिल्म इन एनी केस. इट्स नॉट प्रोपोगंडा बट एक उतना कि जैसे यूथ को एक आँख खुलेगी, जैसे कि बहुत लोग अभी देख रहे होंगे आप भी कि मेम्स भी आ रहे हैं, इतने बड़े इतने अच्छे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उनके लिए भी मेम्स आते हैं, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं. अभी ये फिल्म एक राइट मैसेज पास करेगी राइट टाइम पे, शायद जिस जो लोगों को नहीं पता वो पता चलेगा, इससे कुछ उनके अंदर बदलाव. जैसे सर ने बोला कि यूथ जो है जो पहली बार वोट दे रहा है उसको समझना होगा कि किसको वोट दें, क्या सही है क्या गलत है. तो ऐसा आप भी कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए आगे देश में, उनका भविष्य के हिसाब से चुनाव करें या कैसे वोटिंग करें? एक मैं इतना तो मैं पक्का कहूँगी कि हमारी जो यूथ है इस कंट्री की, हमारे युवा को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में क्या हुआ और क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था. तो अगर सोच समझ के जान के जब कोई भी युवा वोट डालने जाएगा तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा. वैसे 18 साल के हो गए तो चलो अब वोट डाल दिया और जो चिन्ह अच्छा लगा उसके सामने आपने वो बटन दबा दिया, इसको तो वोटिंग नहीं कहेंगे. तो अगर आप सोच समझ के जाते हैं, अगर आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेके जाते हैं, आप सतर्क होके जाते हैं, आप नॉलेज रख के जाते हैं, तब तो आप ही का फ़ायदा है, जीवन में आप ही को फ़ायदा होगा इस बात का. तो ये बात तो सत्य है जो विवेक ने कही है. लेकिन चूँकि हमारी फिल्म 12 तारीख को रिलीज़ हो रही है, इलेक्शंस 11 को हैं, तो कितने लोग पूरी इलेक्शन ख़त्म होने के पहले ये फिल्म देखेंगे, ये तो सब अभी ये तो बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है जो मैं अभी जिसके कैलकुलेशंस मैं नहीं करना चाहती. हाँ, पर ये बात तो सही है कि ये राइट टू ट्रूथ हम सबका हक है और वो हमको मिलना चाहिए. पल्लवी मैम, मैं बहुत टाइम से है इस इंडस्ट्री में, हमने बहुत चीज़ें देखी हैं यहाँ की. आप तब आपको लगता था कुछ चेंजेस आए क्योंकि अब सोशल मीडिया भी जुड़ गया, मीडिया भी बदल चुकी है, फिल्म को मार्केट करने के प्रोसीजर्स भी बदल चुके हैं, आपको क्या चेंजेस लगते हैं उस समय और आज के जनरेशन में? सबसे बड़ा एक चेंज ये है कि उस समय हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे बस, आज हम दिनों लगा देते हैं प्रमोशंस में. नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो युवा है, ये जो मिलेनियल्स हैं आज के, मैं इनको मैं बहुत मैं प्रभावित हूँ इनसे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि स्वतंत्र भारत के वाकई में अगर स्वतंत्र पीढ़ी कोई है तो वो ये मिलेनियल्स हैं. क्योंकि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप ने थोड़ा सा कॉलोनियल जो प्रेशर उनको फील हुआ था क्योंकि वो उसी समय पैदा हुए थे ब्रिटिश राज में, तो उस प्रेशर को कहीं हमारी जनरेशन में उन्होंने डाल दिया था, फिल्टर डाउन किया था. इसलिए हमारी जनरेशन भी पूरी बड़े साहब को सलाम करना, जी हुजूरी, गोरे चमड़े का कॉम्प्लेक्स, इन सब चीज़ों से गुजरती रही. लेकिन हमने फॉर्चुनेटली हमारे बच्चों में वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं की, तो इसलिए आज के जो बच्चे हैं उनको किसी को सलाम करने की ज़रूरत नहीं है. वो जानते हैं कि वो अपने टैलेंट के आधार पर जहाँ पहुँचना है वहाँ पर वो पहुँचेंगे. साइकोफेंसी की आज के युवा को ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छा बदलाव है ये. और इस वजह से मैं ये समझती हूँ कि मेरी जो जनरेशन है इन्होंने कहीं पे पेरेंटिंग सही की है और एक सही दिशा दिखाई है अपने बच्चों को. तो जो स्वतंत्र भारत की जो एक छवि
हमेशा से हमने जो देखी थी वो उसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन ही मिलेनियल्स है. तो इसलिए इनके ऊपर पूरी देश की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदार हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए. इसलिए इनका जागरूक होना और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना हमारा कर्तव्य है. और आपका क्या रोल है इस फिल्म में? मैं इसमें एक हिस्टोरियन का किरदार है मेरा. ऑथर है, हिस्टोरियन है, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, सरकार ने उनको पद्मश्री दिया हुआ है. आयशा अली शाह नाम है इनका, तो बड़ी नवाबी ख़ानदान की हैं ये और अपने आप को बड़ी गॉड्स गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी समझती हैं. तो इस तरह के जो होते हैं ना लोग की जो अपने ताव में रहते हैं और सब लोग मतलब मच्छर होते हैं उनके सामने, इस तरह का कुछ कैरेक्टर है. और मुझे विवेक ने पूरी फिल्म में हंसने नहीं दिया. वो कहा कि ये औरत तो हंसती ही नहीं, ये तो इतनी नास्ती है कि किसी को देख के मुस्कुराएगी नहीं. तो पहले पहले मुझे बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मुझे आप कुछ भी पूछो तो सबसे पहले मेरे चेहरे पर जो भाव आता है वो मुस्कुराहट आता है, क्योंकि मैं रहती हूँ प्लेजेंट और मुझे लोग जब प्लेजेंट लोग दिखते हैं तो अपने आप एक यू नो मुस्कान आ जाती है चेहरे पर. तो पहला ही शॉट था कि मैं माचिस मांगती हूँ किसी से, तो वो माचिस देता है मुझे, तो मैंने उसकी तरफ देखा है थैंक यू. तो मैंने कहा कट, कहता है हंस क्यों रही हो, प्यून है वो और तुम तो प्राइम मिनिस्टर को भी प्यून समझती हो इस फिल्म में, तो तुम प्यून की औकात को क्या करोगी. तो बिल्कुल हंसना नहीं उसको देख, मच्छर है वो, मच्छर है तुम्हारे सामने. बिल्कुल विपरीत रोल दिया, बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा. और अब इसके बाद आपका क्या प्रोजेक्ट है मैम? इसके बाद अभी बस हम भारत की बात नाम का एक शो कर रहे थे TV18 के लिए. तो कल ही उसकी लास्ट डे की शूटिंग थी. तो कल हमने रैपअप किया है उसे. तो ये और ताशकंद दोनों एक साथ चल रहे थे, तो अभी तीसरा कुछ सोचने की फुर्सत नहीं है. 12 अप्रैल के बाद ही जो होगा वो होगा. और अपने फैंस के लिए कोई मैसेज दे दीजिए जो आपका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं. सबसे पहले मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे सरप्राइज़ कर दिया है. जब ये फिल्म हमने करने की सोची तो आप ही की तरफ से सोशल मीडिया पे इतना रिस्पांस मिला है और ट्रेलर के बाद भी जो रिस्पांस है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा देश सही दिशा में जा रहा है. हम सबको ज़रूरत है जानने की कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ. राइट टू ट्रूथ मेरा है, आपका है, हम सबका है और इसे हमें एक्सरसाइज करना ही चाहिए. तो ये फिल्म ज़रूर देखिए, हमारे लिए तो देखिए ही क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत की है, लेकिन आप देखिए उस आदमी के लिए जिन्होंने अपने प्राण दे दिए हमारे देश के लिए, जिन्होंने इतनी ऊंचाइयों पर अपने देश को लाने की कोशिश की, जिन्होंने वाइट रेवोल्यूशन शुरू किया, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया, जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर जीता, जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया हमारे देश में, एंड ही डिड ऑल दिस इन अ स्पैन ऑफ 11 मंथ्स. तो उनके लिए आप ये फिल्म जरूर देखिए. ज़रूर देखेंगे, हम सब बहुत ईगर हैं देखने के लिए. और थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू, माय प्लेजर.